प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुग्गू शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू रेड्डी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पिछले 70 वर्षों में देश द्वारा अर्जित सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। देश में सड़कों से लेकर दिल्ली तक बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी अब सिर्फ एक दिव्य सपना बन गया है। पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के अभाव में युवाओं में डिप्रेशन फैल रहा है और युवाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रतीकात्मक चाय और पकौड़े की दुकान स्थापित की गई और नागरिकों को चाय और पकौड़े देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष राजू रेड्डी, कामगार नेते सैयद अनवर, युवक जिला सचिव सूरज कन्नूर, युवक अध्यक्ष तौफिक शेख, शेखर तंगरपल्ली, नूरुल सिद्दीकी, इरशाद कुरैशी, रोशन दंतलवार, विशाल मादार, रोहित डाकुर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए गुग्गू से सदन बाबू रिनकुंटा की रिपोर्ट।